आसुरी प्रवृत्तियां क्या हैं? आसुरी प्रवृत्ति क्या है, आइए बता देता हूं। आसुरी प्रवृत्ति, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जब क्रोध बढ़ता है ये आसुरी प्रवृत्ति की पहचान है, क्रोध का बढ़ना, गाली का बकना आसुरी प्रवृत्ति है। कामम क्रोधम तथा लोभम, क्रोधा पारुष्यमेव च दंभो दर्पोभिमानश्च। जब तुम दंभाचरण करने लग जाओ, दर्प घमंड करने लग जाओ, अभिमान करने लग जाओ, क्रोध बहुत आने लग जाए, क्रोधा पारुष्यमेव च, बहुत कठोर बोलने जाओ, सबसे कड़वा बोलो, दंभो दर्पो भिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च, अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। अज्ञान के गर्भ से आसुरी संपदा का जन्म हो जाता है। जितना घोर अज्ञान होगा आपके पास में, उतना अधिक तुम्हारे अंदर आसुरी प्रवृत्तियां जन्म लेना शुरू कर देंगी। अज्ञानी बहुत क्रोध कर सकता है, सीमा से बाहर क्रोध कर सकता है। अज्ञानी जब क्रोध में आता है तो लिमिट तोड़ देता है, फिर तहस नहस हो जाए, नष्ट भ्रष्ट हो जाए, मिट जाए, खुद मिट जाए, तुम मिट जाओ, मर जाओ, कट जाओ, लेकिन उसका क्रोध रुकता नहीं। और ज्ञानी यदि कभी जोश में आता है तो कंट्रोल रखता अपने को, ब्रेक लगा देता है। क्रोध आसुरी प्रवृत्ति है, अभिमान भी आसुरी प्रवृत्ति है। और ये जब प्रवृत्तियां बढ़ती हैं तो समझ लो धर्म नष्ट होने के कगार पर है। दुर्योधन का अभिमान बढ़ा, रावण का अभिमान बढ़ा, कंस का अभिमान बढ़ा, रावण का क्रोध बढ़ा, तभी तो धर्म नष्ट करने के लिए खड़ा हो गया। कुंभकर्ण ने भी रावण को समझाया, मंदोदरी ने समझाया, मेघनाद ने समझाया, विभीषण ने समझाया, तो क्रोध में उसको लात मार दी। जब किसी की बात समझने के लिए तुम तैयार न हो तो समझ लेना अब तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। सब समझा समझा करके थक जाए, समझाने वाले सब तुमसे खिलाफ होने लग जाए, तो समझ लेना अब तुमको मृत्यु दंड मिलने वाला है। अब तुम ज्यादा ही सीमाएं तोड़ चुके हो, अब कोई राम का अवतार लेगा और तुमको मारेगा, तुम खत्म हो जाओ। जब जब हो ही धर्म की हानि, बढ़े ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा। ये प्रभु मनुष्य का शरीर धारण करके आते हैं, अर्थात जिनमें प्रभुता के गुण हैं वो प्रभु का रूप हो जाता है मनुष्य। प्रभुता के गुण क्या होते हैं, भगवान के गुण क्या हैं? बता दूं, भगवान के लक्षण बताता हूं। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता। जो उत्साह पूर्वक दान करता है, समझ लो प्रभु का अवतार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नीति शास्त्र का श्लोक बोल रहा हूं। मैं अपनी जेब की बातें बहुत कम कहता हूं, सब प्रमाणित करता हूं, कोट करता हूं, क्योंकि मैं अपनी पॉकेट की बात बोलूं तो तुमको डाउट हो जाएगा ये महाराज इधर उधर चटनी पटनी करते थे। दाने समुत्साहित, मुखे मधुरता, जिसके मुख की वाणी में मिठास है, स्वीट वाणी है, ये प्रभु के अवतार का संदेश मिल रहा है।
जो धर्म के कार्यों के लिए तत्पर है, आज राघव मित्र मंडल वालों से मैंने पूछा, तुम लोग किस तरह से दान करते हो, कैसे दान करते हो, क्या ना? बोले जहाँ ठीक